ओके सो क्वेश्चन नंबर 13 जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 9 लाख एंड द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% गिव जर्नल एंट्रीज सो बिल्डिंग इज परचेज चिल्ड्रन व्हेन बिल्डिंग इज परचेज व्हाट एंट्री वी पास जर्नल एंट्री चिल्ड्रन व्हेन बिल्डिंग इज परचेज ना दिस एंट्री वी पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट द नेम ऑफ सेलर इज नॉट गिवन सो वी कैन राइट टू वेंडर और टू वेंडर्स अकाउंट हाउ मच बिल्डिंग ऑफ रुपीज 9 लाख सो बिल्डिंग ऑफ रुपीज 9 लाख इज परचेस्ड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव पेड डिबेंचर वी इशूड डिबेंचर्स बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड ऑफ रुपीज 9 लाख नाउ वी नीड टू पे 9 लाख टू द वेंडर सो टू वेंडर्स अकाउंट डेबिट 9 लाख हाउ वी आर पेइंग 9 लाख वी आर इशूइंग डिबेंचर्स फॉर डिस्काउंट 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% 10% डिबेंचर्स ओके सो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 10% डिबेंचर्स पे वेरी गुड अटेंशन हियर चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट What is the face value of debenture, children? 100 rupees is the face value and discount is 10%. So, 100 face value will come in front of debenture and 10% discount will come in discount. 100 minus 10 100 minus 10 is 90. Okay. So, and 9 lakh rupees is given. So, 9 lakh rupees is given and for per debenture it is 90. So, 9 lakh divided by 90, what you get? You get 10,000. Yes or no? You get 10,000 debenture. Okay, when you divide 9 lakh, divide by 90. So 10,000 multiplied by 10, 1 lakh. And 10,000 multiplied by 100, 10 lakh. In this way, we need to calculate. And we will write narration. Being 10,000 debentures 10,000 debentures of rupees 100 issued at 10% discount you need to write how many debentures issued remember dear children you know? I hope this is clear to everyone